दोस्तों, क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया है? अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे, वो भी अपने फोन से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख जो है 31 मार्च 2022 तय की थी। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर, गवर्नमेंट तो इस डेट को हमेशा बढ़ाती रहती है, पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक करने का तारीख जो है हमेशा बढ़ता रहता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट को करने दीजिए, और गवर्नमेंट जो हमें निर्देश दे रही है वो हमें करने दीजिए। जो तय सीमा तय की गई है उसी के अंतर्गत हमको जो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत लोगों की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, जिस व्यक्ति का पैन कार्ड है उसी व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा नंबर दोस्तों, आपको आपका जो भी रजिस्टर नंबर है आधार कार्ड से वो आपके पास होना चाहिए, और वही नंबर आपके आधार कार्ड से भी और पैन कार्ड से भी दोनों से लिंक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपके पास आपका स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपने फ़ोन में ब्राउजर को ओपन करके बताता हूँ। दोस्तों, जैसे आप ब्राउजर को ओपन करेंगे आपको बीच में सर्च बार दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और टाइप करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स टाइप करके आपको सर्च करना है। तो दोस्तों, जैसे आप इनकम टैक्स टाइप करके गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहली लिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, www.incometax.gov.in। आपको ये लिंक और वेबसाइट स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, और इस वेबसाइट को मैं वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली पैन कार्ड की आधार कार्ड से लिंक करने वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर पहली लिंक पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर incometax.gov.in की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे दोस्तों आपको क्विक लिंक्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पर ढेरों ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर भी कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपको दोस्तों यहाँ पर लिंक आधार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप लिंक आधार के ऊपर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पर पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको कुछ डिटेल्स भरना है, जैसे कि आपका पैन नंबर, आधार नंबर और नेम एज पर आधार, जैसा कि आधार कार्ड पर आपका नेम है वो नेम भरना है, मोबाइल नंबर जो कि दोनों से लिंक होना चाहिए, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नीचे दो चेक बॉक्स है, उनको चेक कर आपको लिंक आधार के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी इन डिटेल्स को भर कर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड ले लिया है, इन डिटेल्स को हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो चलिए पैन नंबर हम यहाँ पर डालते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर हाइड कर दूंगा ताकि जो उसका मिसयूज ना हो सके, ठीक है। पैन नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर भरना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो दोस्तों, पैन कार्ड वाले बॉक्स में पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर वाले बॉक्स में आधार नंबर, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी आधार कार्ड पर नेम है, न कि पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर जो नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नेम डाल देते हैं, आधार कार्ड पर जैसा नेम है वो डालने के बाद अब आपको नीचे वाले ऑप्शन में जो है जो मोबाइल नंबर का है वो मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों से लिंक होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों, आपको नीचे दो चेक बॉक्स हैं, इनको ध्यान से आपको रीड कर लेना है। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, आपको चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड पर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का केवल ईयर प्रिंट है तो आपको पहले वाले बॉक्स को चेक करना है, और अगर आपके आधार कार्ड पर फुल डेट ऑफ बर्थ है तो आपको चेक नहीं करना है फर्स्ट वाले चेक बॉक्स को, और सेकेंड वाला चेक बॉक्स है इसको आपको चेक कर देना है। अब आपको लिंक आधार के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी आधार कार्ड से बना होगा तो वो जो है ऑलरेडी लिंक दिखाई देगा। आप यहां पर देख सकते हैं, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, और अगर लिंक नहीं रहेगा तो लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से समय रहते लिंक कर सकते हैं, और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल देव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।